हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी एम टी एडवर्ड में स्वागत है। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन जो आपका ओ लेवल का जो आपका चौथा पेपर है उसका पार्ट थर्ड मैं लेकर के आया हूं। तो आइए हम चलते हैं आज के अपने वीडियो पर। आज का हमारा पहला सवाल है, फ्यूचर स्किल्स इनेबल्स। फ्यूचर स्किल क्या करता है? तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव इसका जवाब होगा। डिस्कवरी, कॉन्टीन्यूअस ऑफ लर्निंग एंड डीप स्किलिंग, तीनों फैसिलिटीज हमारी फ्यूचर स्किल्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। अगला सवाल है, फ्यूचर स्किल्स इज एसोसिएटेड विथ हाउ मेनी टेक्नोलॉजीज। फ्यूचर स्किल कितनी टेक्नोलॉजी से एसोसिएट करती है? तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, 9 टेक्नोलॉजीज। फ्यूचर स्किल्स जो आपकी हैं ये 9 टेक्नोलॉजी से एसोसिएट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज एसोसिएटेड विथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर स्किल्स। जो भी ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर स्किल से एसोसिएट करती है? तो इसमें ऑल ऑफ द एबव, सारे जो भी ऑप्शन है सारे के सारे फ्यूचर स्किल से एसोसिएट करते हैं, चाहे वो IoT हो, चाहे बिग डेटा एनालिसिस हो और चाहे आपका क्लाउड कंप्यूटिंग हो। अगला सवाल है, विच वन इज एसोसिएटेड विथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ फ्यूचर स्किल्स। ये भी वही सवाल है लेकिन ऑप्शंस यहाँ पे अलग अलग हैं और यहाँ पे इसका भी जवाब जो आपका होगा ऑल ऑफ द एबव होगा, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सोशल एंड मोबाइल, ये तीनों आपके जो है फ्यूचर स्किल्स से कनेक्टेड हैं, एसोसिएटेड हैं। देन अगला क्वेश्चन है, Wi-Fi AH इज डिजाइंड फॉर। Wi-Fi AH को किसके लिए डिजाइन किया गया था? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, इसकी मदद से हम कंट्रोलिंग लो डेटा रेट और लॉन्ग रेंज सेंसर्ड में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला सवाल है, RFID इज अ यूजफुल लेयर ऑफ द परसेप्शन लेयर फॉर। RFID जो है एक महत्वपूर्ण लेयर है परसेप्शन लेयर के लिए, किस लिए, फॉर व्हाट पर्पज? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइंग एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, इन सभी में हम RFID का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, HTTP स्टैंड फॉर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल है, ZigBee इज बेस्ड ऑन विच स्टैंडर्ड। ZigBee किस स्टैंडर्ड पर बेस है? ऑप्शन सी IEEE 802.15.4, इस स्टैंडर्ड पे आपका ZigBee बेस है, ऑप्शन सी जवाब होगा इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन IoT एन एंटिटी कैन बी, IoT में एक एंटिटी हो सकती है, क्या हो सकती है? तो यहाँ पर हम आपको बता दें, कस्टमर, गवर्नमेंट, शॉप, ये सारे के सारे एंटिटी हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल इन IoT, IoT में सबसे ज़्यादा किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? अगेन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, ZigBee, XMPP और MQTT, तीनों आपके प्रोटोकॉल हैं और इन तीनों का इस्तेमाल हम IoT में करते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज लाइट वेट प्रोटोकॉल। जो भी प्रोटोकॉल दिए गए इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल आपका लाइट वेट प्रोटोकॉल है? ऑप्शन सी MQTT एक प्रोटोकॉल है जो कि आपका IoT में इस्तेमाल होता है और ये एक प्रकार का लाइट वेट प्रोटोकॉल माना गया है। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। MQTT इज यूजफुल देन HTTP इन टर्म्स ऑफ। MQTT को क्यों ज़्यादा अच्छा माना गया है HTTP के कंपैरिजन में? ऑप्शन डी बोथ ANC, ये लाइट वेट है और ये मोर सिक्योर है। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। अगला सवाल है, विच वन इज एसोसिएटेड विथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर स्किल्स। फ्यूचर स्किल्स से कौन सी टेक्नोलॉजी हमारी एसोसिएट करती है? अगेन ऑप्शन डी ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन जिसे हम लोग RPA कहते हैं, तीनों हमारी फ्यूचर स्किल्स से कनेक्टेड हैं। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला सवाल है, विच वन इज कनेक्टेड कार। निम्न में से कौन आपका एक प्रकार का कनेक्टेड कार है? तो डेट इज योर वैन। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, वाइड एरिया नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ योर कनेक्टेड कार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
RFID टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ, RFID टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें ट्रांसीवर, ट्रांसपोंडर और एंटीना, ये तीनों चीज़ें आपकी RFID में होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वायरलेस स्टैंडर्ड इज़ यूज्ड बाय सेलुलर, मींस हमारी मोबाइल कंपनियों के द्वारा किस वायरलेस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। LTE, CDMA और GSM, इन तीनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी सेलुलर कंपनियाँ, हमारी मोबाइल कंपनियाँ करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोरा, LORA स्टैंड फॉर, लोरा क्या है। ऑप्शन बी लॉन्ग रेंज रेडियो, लोरा स्टैंड फॉर लॉन्ग रेंज रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज प्रोवाइडेड बाई विच प्रोटोकॉल, किस प्रोटोकॉल की मदद से फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी दैट इज योर वेब सॉकेट, वेब सॉकेट की मदद से हम फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन को हम लोग अचीव करते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन, साइज ऑफ IP वर्जन 4 इज, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की साइज क्या होती है। ऑप्शन बी 32 बिट, IP वर्जन 4 प्रोटोकॉल की साइज 32 बिट होती है। और आज की वीडियो का हमारा जो आखिरी सवाल है, आइए हम उधर चलते हैं। व्हिच वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ IoT, किससे हमने IoT का सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसीडर किया है। तो ऑप्शन बी नेटवर्क लेयर इसका जवाब होगा, नेटवर्क लेयर इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ IoT। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको जो भी फीडबैक्स और कमेंट्स हैं वो हमें आप ज़रूर दें, ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें, और आपके जो सजेशंस हैं वो भी आप हमें ज़रूर दें, ताकि हम अपने आप को और बेहतर करके हम आपके सामने हम इंट्रोड्यूस कर सकें।